हाय प्यारे बच्चों, आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को 3.3 के बारे में बताया गया था हल करने के लिए। आज हम इस वीडियो में अभ्यास 3.4 से संबंधित कुछ सवाल हैं जो हल करने के तरीके नियम जो भी हैं बताएंगे। इसमें है आपके भिन्न, क्या है भिन्न। तो भिन्न के तीन भाग होते हैं, भिन्न के तीन भाग होते हैं। पहला देखिए, 1/2, इसको पढ़ते हैं 1/2। तो जो ऊपर वाली की संख्या है, ये रेखाखंड है, ये जो जिसको ये विभाजित करता है इसको हम बटा कहते हैं, और इसके ऊपर जो संख्या रहती है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और रेखाखंड के नीचे की संख्या को, जो संख्या या अंक रहता है उसे हम हर कहते हैं। तो इस तरह से भिन्न की संख्याएं को हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे अब रेखाखंड ये है, रेखाखंड के ऊपर की संख्या, इस जगह कोई भी संख्या रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे, कोई भी संख्या रहेगी उसे हम अंश कहेंगे, और रेखाखंड के नीचे की संख्या को हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। और बीच के जो रेखाएं बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, बटा। यही विभाजित करता है अंश और हर को। अब इसमें एक देखिए, अंश, अंश कितने भाग लिए गए हैं यह संख्या अंश कहलाती है। किसी भी संपूर्ण भाग में अगर कई भाग बटे हुए हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं, उसमें से कितनी भाग लिया गया है उसको अंश दर्शाता है या लिखा जाता है। ऊपर की संख्या में लिखा है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो कहने का मतलब यह है कि भाग में से 1 भाग जो है वह लिया गया है। और जो नीचे की संख्या होती है हर, वह संपूर्ण कितने भाग में बटी हुई है वह दर्शाता है। जैसे अंश कितने भाग लिए गए हैं यह संख्या अंश कहलाती है, और हर जो होता है वह संपूर्ण कितने बराबर भाग हैं यह संख्या हर कहलाती है। जो संपूर्ण भाग होता है, कितने भाग में बटा है, चाहे 8 हो 10 हो 2 हो 3 हो, जो भी संख्या रहेगा वह हर कहलाता है। अब इसी से संबंधित कुछ आप लोगों का अभ्यास 3.4 में सवाल है। पहला जो पूछ रहा है, निम्नलिखित भिन्नों के अंश तथा हर लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों के अंश तथा हर लिखिए, जिसमें ए का दिया है 3/4। जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया इसको कैसे पढ़ते हैं, तो ऊपर की संख्या यह 3 है, ये रेखा है, और उसके बाद ये 4 है, तो इसको हम कहेंगे 3/4, जिसको बटा कहते हैं रेखा को, ए बटा, तो 3/4। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसमें अंश कौन सा है और वह कितना है। इसमें अंश, पीछे जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि रेखा के ऊपर की संख्या, बटा के ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं। तो यहाँ पे कितना है अंश में, 3, रेखा के ऊपर क्या है 3, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3। अब पूछ रहा है इसी का कि हर कितना है, तो अब यहाँ बटा जो रेखा है उसके नीचे की संख्या को क्या हम हर कहते हैं, जैसे अभी पीछे बताया गया, तो उसके नीचे कौन सी संख्या है 4, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 4। फिर उसी से संबंधित बी आपका है, इसमें भी पूछ रहा है, दिया है 11/8। अब इसमें अंश कौन सा है कितना है, हर कौन सा है कितना है, तो जैसे अभी हम लोगों को पता है बताए हैं, उसी तरह से रेखा के ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर। तो ये ऊपर कितना है 11, यहाँ हम 11 लिखेंगे, और उसके बाद रेखा के नीचे की संख्या बटे में कितना है 8 लिखेंगे। इससे संबंधित कुछ और सवाल हैं पहला में आपका, जो आप लोग खुद उसे स्वयं हल करेंगे। फिर दूसरा आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित अंशों तथा हरों के भिन्न लिखिए। अब यहाँ पे निम्नलिखित अंश तथा हर लिख दिया है, उसे भिन्न में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे इसमें पहला ए आपका पूछ रहा है अंश, अंश दिया है 14 और हर दिया है 27, मतलब अंश दे दिया है हर दे दिया, इसको भिन्न में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो उसी तरह से जैसे आप लोगों को पता है
कि एक रेखाखंड जो बटा हम कहते हैं इसको हल करेंगे जब, तो अंश जो होता है ऊपर होता है, तो ऊपर ऐसे 14 लिख दिए। अब दिया हर कितना है 27, ये बटा हो जाएगा और इसके नीचे 27। इस तरह से हम भिन्न में लिखेंगे। अंश ऊपर होता है, ऊपर हमने रेखाखंड के ऊपर लिख दिया 14, फिर हर जो होता है रेखाखंड के नीचे जो बटा हम कहते हैं इसको, इसके नीचे की संख्या को यहाँ पे इस तरह से 14 ऊपर अंश हो गया और 27 जो है नीचे हर हो गया। ये भिन्न में आपका 14/27 इस तरह से लिखा जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी से संबंधित और भी कुछ सवाल हैं जो आप लोग स्वयं हल करेंगे। अब आपका अगला तीसरा आप लोगों का है, निम्नलिखित भिन्नों को अंकों में लिखिए। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को अंकों में लिखिए। ये भिन्न जो है आपका शब्द में लिखे हैं, इसको अंक में लिखना है। इसका तीसरा का ये जो है वो पूछ रहा है 1/9 और बी है 2/3। तो 1/9 इसको भिन्न में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 1/9, एक मतलब पहले है यह क्या हुआ, अंश हुआ 1। अरे 9 लिखा है कि 9 में 1, मतलब यह अंश है इसको, उसके बाद एक रेखाखंड जो कहते हैं बटा और फिर 9। कहने का मतलब 1/9 आपका भिन्न में जब लिखेंगे तो इस तरह से 1/9 या 1/9, यही आपका आंसर होगा। उसी तरह से अगला जो बी है इस पे दे रहा है 2/3, 2/3 ये हो जाएगा 2/3, 3 2/3 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें आगे कुछ तीसरे में इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जो आप लोग स्वयं हल करेंगे। अब आपका चौथा जो है देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। अब अंक में यहाँ दिया है, भिन्न में दिया है, इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो पहला जिसमें दे रहा है 9/11, अब इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे 9/11, तो 9 चौथे का सेम है उल्टा उसी का है, देखिए यहाँ पे 9/11 यहाँ 11, ये आपका हो जाएगा। उसी तरह से भी 1/6 इसको हम 1/6 अब इसी तरह से इसमें और भी आगे सवाल हैं, आप लोग स्वयं हल करिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के अगले वीडियो में इससे 3.4 के बाद 3.5 के बारे में हल करके बताएंगे। धन्यवाद। अगला अभ्यास आपका है 3.5, अब इसमें कुछ सवाल हैं जो हल करने के बताएंगे। इसमें आपका पूछता है इससे संबंधित समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं और कैसे क्या पढ़ते हैं। तो समतुल्य भिन्न, अब समतुल्य भिन्न क्या होता है इसको कुछ चित्र के द्वारा के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक कोई आयत, एक बराबर आयत, ये भी बराबर है इसका, ये भी मतलब समझ लीजिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, क्या है बराबर है। अब उसमें कितने भाग हैं, इसमें 2 भाग किए गए हैं, ठीक है, इस लंबाई के बराबर आयत में इसमें 2 भाग किए गए हैं। उस भाग में एक छायांकित है, ये छायांकित है, इसको कलर किया गया है। अब इसको भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ही यहाँ पे बता रहा है कि इसको लिखने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2। अब 1/2 कैसे, जैसे भी पीछे हम आप लोगों को बताए हैं कि जो भी
भाग छायांकित भाग या और जितने भाग लिए गए होते हैं संपूर्ण भागों में से कितने भाग लिए गए हैं वह अंश के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से एक भाग जो यहाँ पे एक लिखा है, एक छायांकित है, एक भाग लिया गया है तो एक अंश के रूप में लिखा गया है एक। और जो हर होता है वह यह दर्शाता है कि उसमें कितने भाग हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है तो यह हर के रूप में लिखा जाता है। तो कितने भागों में बांटा गया है, दो, यहाँ पे दो है। और उसमें कितने भाग लिए गए हैं, एक भाग लिया गया है तो वहाँ ऊपर एक। इसका मतलब यह हो गया कि यह एक बटा दो दर्शाता है। उसी तरह से सेम आयत का है, इसमें आधा था, अब इसमें उसी को चार भागों में बांट दिया गया है। कितने, चार बराबर भागों में, एक दो तीन और चार, तो चार बराबर भागों में बांटा गया है। तब इसमें कितने छायांकित हैं, दो, कितने हैं, दो, तो दो छायांकित है तो यहाँ पे लिखा गया कितना लिया गया है, दो लिया गया है, दो हो गया। कितने भागों में बटा है, चार भागों में बटा गया है तो ये हर के रूप में ये चार हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ यह देखा जा रहा है यह समतुल्य है कि नहीं है, एक बटा दो और दो बटे चार। तो एक बराबर में यहाँ पे एक बराबर के आयत में यहाँ पे एक बटा दो और दो बटे चार समान है, यह दोनों क्या है, समतुल्य है, समतुल्य है। से बराबर है, ये क्या है, बराबर है, यहाँ उतना है। अब इसी में जैसे है सेम दूसरे तरह से समझा देते हैं, इसमें केवल दो भाग है, इसमें चार भाग है, यहाँ से हमने इतना भाग कर दिया और इसमें भी एक भाग बराबर बराबर में बांट दिए, अब चार भाग हो गए, एक दो तीन और चार, चार हो गए कि नहीं हो गए। तब इन दोनों का मान मतलब क्या है, ये किस तरह के भिन्न है, तो यह समतुल्य भिन्न में है। दूसरे तरह से उदाहरण में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे यह तीन बटा चार, मतलब कुल चार इसमें भाग हैं जिसमें से तीन भाग लिया गया है, जो लिया जाता है वो अंश के रूप में लिखते हैं पता ही है, और कितने भाग में है वो हर के रूप में लिखते हैं। यहाँ चार भाग हैं, चार भाग में से तीन भाग लिया गया है तो ये तीन बटा चार है, और इतना हूँ तो चार को क्या कर दिया, आठ बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पे दूसरे चित्र में उसी को आठ बराबर भागों में बांटा है, इसमें छः ले लिए गए हैं, है उतना ही है, दोनों का मान उतना ही, इसमें छः बटे आठ हो गया है। यह कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ बराबर भाग हैं, इसमें से कितने छायांकित लिए गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो छः बटा आठ। सेम उसी तरह से जैसे अभी बताया, जैसे सेम ये है, अब इसमें भी हम ऐसे इन एक भाग को, यह आपका एक भाग है, इसमें आधा और कर दिए, उसी तरह से इसमें भी और इसमें भी, अब कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ हुए कि नहीं हुए। और कितने छायांकित अब इसमें दर्शा रहा है, हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच और छः। तो ये क्या हुआ, इस तरह से जो पहले था ये चित्र उसमें आपका तीन बटे चार था और यह छः बटे आठ था, तो ये क्या हुआ, समतुल्य हुआ। ये भी क्या है, एक बराबर है, समतुल्य मतलब समान मान वाले हैं, समतुल्य, ये समतुल्य हैं। उसी तरह से संबंधित, इसी से संबंधित कुछ सवाल हैं आपको अभ्यास 3.5 में, जो हल करके हम बताएंगे, आप देखिएगा ध्यान से। इसमें आपका पहला पूछ रहा है कि अगली चार समतुल्य भिन्न लिखिए, जैसे ये उसमें पूछा, पहला एक बटा दो कामा दो बटा चार कामा तीन बटा छः कामा, अब इसके आगे चार समतुल्य भिन्न हमें लिखने हैं, इसके चार समतुल्य भिन्न लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बटा दो है, अब आगे के क्रम में लिख रहा है दो बटा चार, इसमें क्या हुआ, एक जुटा है दो हो गया, इसमें एक जुटा है यह तीन हो गया। इसमें ऊपर के अंश में देखिए अगर, तो एक एक प्लस हो रहा है, ठीक है,
एक साधारण उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो इसमें एक एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे एक प्लस हुआ, दो हुआ है, दो में अगर एक जोड़ रहा है तो ये तीन हो रहा है। और फिर नीचे देखिए क्या हो रहा है, हर में यहाँ दो है, एक बट्टा दो है, इस भिन्न में दो हर है। अब इस भिन्न में क्या हो गया, यह चार हो गया है, और अगले वाले भिन्न में कितना हो गया है, छः हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हर में दो दो प्लस हो रहा है, यहाँ दो, दो में दो जुटा है, यहाँ चार हो गया है, चार में दो जुटा है, यहाँ छः हो गया है। ऊपर अंश में एक एक जुट रहा है और नीचे में दो दो जुट रहा है। तो इसी तरह से अब हम आगे लिखेंगे, अब यहाँ पे तीन, अब इसके आगे का क्या हो जाएगा, तीन में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, चार। और हर में क्या करेंगे, अब यहाँ छः है, छः में कितने जोड़ना हमें, दो। जैसे यहाँ पे दो है, दो में दो जुटा तब चार हो गया था, चार में दो जुटा छः हो गया है, अब छः में दो जोड़ देंगे यहाँ आठ हो जाएगा। ये पहला भिन्न आपका हो गया। इसी तरह से क्रमवार हम आगे लिखते चले जाएंगे। अब चार का एक यहाँ जुटेगा पाँच हो गया, और आठ में दो जुटेगा यह दस हो जाएगा, पाँच बटा दस हो गया। फिर उसी तरह से यह छः हो जाएगा, यह बारह हो जाएगा, यह सात हो जाएगा, और यह चौदह हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। और यह समतुल्य भिन्न है, इसको अगर हम दर्शाते हैं चित्र के माध्यम से या किसी और तरीके से, तो यह समान समतुल्य भिन्न है। यहाँ पे एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, तीन बट्टा छः, चार बट्टे आठ, पाँच बट्टे दस, छः बट्टे बारह, सात बट्टे चौदह, इसका सम्मान बराबर होगा। और इसी से संबंधित आपका एक और इसमें पूछ रहा है बी, जो आप लोग स्वयं हल करेंगे। और दूसरा जो इसमें सवाल है दे रहा है, रिक्त स्थान भरिए, जिसमें पहला सवाल है आपका चार बटे पाँच, कितना है, चार बटे पाँच बराबर आठ बटे, ये रिक्त स्थान, खाली स्थान दिया है, इसमें हमें अंक भरना है, ये समतुल्य भिन्न का ही है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे उसी गौर से, जैसे पीछे हम सवाल हल किए हैं उसी से मिलता जुलता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ अंश चार है बटा ये पाँच है हर में, तो ऊपर अंश दिया हुआ है, दूसरे भिन्न में ऊपर अंश दिया हुआ है कितना, आठ। अब यहाँ गौर करिएगा कि चार में कितने का गुणा हुआ, आठ हो गया, चार में कितने का गुणा हुआ है, आठ हुआ है। तो चार में दो का गुणा करेंगे तब ना आठ होगा, चार दुनी आठ होता है, इसका मतलब दो का गुणा हुआ है, तो चार दुनी आठ। उसी तरीके से यहाँ हर में भी हम उसी तरह से हल करेंगे, ये कितना है पाँच, तब यहाँ पाँच में भी उतने का ही गुणा करेंगे, जैसे यहाँ चार में दो का गुणा हुआ था आठ आया है, उसी तरह से यहाँ पाँच में हम दो का गुणा कर देंगे तो यह अंक आ जाएगा। तो पाँच में दो का गुणा करेंगे कितना आएगा, दस। ये अगला आपका यह सवाल इस तरह से हल होगा, ये हो जाएगा आपका आठ बटे दस, यह संख्या कितनी आएगी, दस। से अब हम अगला दूसरा हल करेंगे, इसमें का बी आपका पूछ रहा है, दिया है सवाल दो बटे तीन, दो बटे तीन बराबर दस बटा खाली स्थान है। अब खाली स्थान में कितना रहेगा, कितना अंक यहाँ पे आएगा, तो जैसे अभी एक में हमने आपको बताया है कि अगर ऊपर यह संख्या दिया हुआ, तब यहाँ यह ध्यान देंगे हम कि दो में कितने का गुणा हुआ है, दस आया है, तो दो में कितने का गुणा करें या दो के में कितने का गुणा हुआ है कि दस आया, तो दो पचे दस होता है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि दो में पाँच का गुणा हुआ है तो दस आया है। तो उसी तरह से यहाँ भी हम तीन में पाँच का गुणा करेंगे, जो अंक आएगा वही यहाँ पे रिक्त स्थान में हम भर देंगे। तो तीन में पाँच का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पंद्रह। यहाँ पर कितना हम भरेंगे, पंद्रह। इस तरह से आपके आगे जो भी सी डी ई होगा वो सवाल आप स्वयं हल करिएगा। अब अगला आपका तीसरा आपका पूछ रहा है, इसमें दे रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य लिखिए।
तो इसमें पहला सवाल जो आपका दे रहा है ए लिखा है 4/16 तथा 16/48 समतुल्य भिन्न हैं या नहीं। क्या है समतुल्य भिन्न हैं कि नहीं, सत्य और असत्य में लिखना है इसको। तो इसको आप लोग हल करके इसको जानेंगे, देखते हैं। तो हल करने का जो है तरीका, इसका नियम है 4/16 तथा 16/48 समतुल्य भिन्न हैं कि नहीं। तो 4/16 हल जब करेंगे तो 4/16 का अंश गुणे 16/48 का हर। तो 4/16 का अंश गुणे 16/48 का हर, तो 4/16 का अंश कितना है 4। 4/16 का अंश कितना है 4 गुणे गुणे है। अब 16/48 का हर, 16/48 का हर, हर कितना है 48। अब गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे जब आप, तो 2 हाथ में है 3 और 4 चौक 16, 16 3 19, 192, 8 चौक 32, 32 में 2 हाथ में आया 3, 4 चौक 16, 16 3 19, कितना आया 192। अब दूसरा 4/16 का हर गुणे 16/48 का अंश बराबर। अब यहाँ देखिए जो नियम है 4/16 का हर और 16/48 का अंश गुणा करना है। तो 4/16 का हर कितना है 16 गुणे और 16/48 का अंश कितना है 16। अब 16 में 16 का गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आता है 16 गुणे 16 अथवा 36 6 3 6 1 6 6 3 9 और ये 6 हो गया, यहाँ 1 1 1 हो गया, 6 हो गया, 9 6 15 1 और उसके बाद यहाँ 2, तो ये आपका आ रहा है 256। तब यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है आंसर, इसका 192 आ रहा है, इसका 256 आ रहा है। तो यहाँ पे यह होगा आपका कि पहला का ए का 4/16 तथा 16/48 समतुल्य भिन्न नहीं है, तो यहाँ ए का आंसर जो होगा असत्य। असत्य कैसे होता, अगर हम इस तरह से गुणा करेंगे, जो ये आपका ये नियम है, अगर इस तरह से गुणा करने के बाद एक समान, जैसे यहाँ पे 192 आया, यहाँ पे कोई भी अंक रहता गुणा करने पे, अगर 192 यहाँ भी आता और यहाँ भी आता तो वहाँ पे सत्य होगा कि यह समतुल्य भिन्न है, वहाँ पे सत्य लिखेंगे। अगर दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है तो उसका हम असत्य लिखेंगे। तो इसके आगे एक सवाल और है, आप लोग खुश हुए इसको हल करिएगा।